हेलो जी, सत श्री अकाल। तो अस्सलाम वालेकुम। की हाल जी तुहाडे सारेयां दा? जी ठीक ठाक हो अपने घरां दे विच? खैरियत है सारे? और ठीक हो, याद कर रहे हो सानू, मिस कर रहे हो सानू? एक दिन होर गैप पै गया सी, मैडम दी तबीयत ठीक नहीं हैगी। ते चलो खैर, एक दिन दे होर वक्त बाद तुहानू स्वागत कहने आ। प्रीत बानी रिएक्ट्स थे। चलो तबीयत तो कोई नहीं, वो आपे ठीक हो जाएगी। तुसे सारे सानू दुआओं में याद करोगे तो मैं छेती छेती ठीक हो जावांगी। ते आज दी वीडियो हैगी है रमादान में पेश आने वाले वाकयात। वाकयात। ते ए हैगी है मौलाना तारिक जमील साहब दी। ते असी बड़े दिनों बाद इन्हां दी वीडियो लैके आया, ते अज दी वीडियो नू करदे आ स्टार्ट। मिलते हैं वीडियो दे उस पार, फिर तुहाडे नाल करांगे गल्लां बातां। ठीक है जी, पूरी वीडियो देखना, 15 मिनट दी वीडियो है। नाल बैठ के पूरी वाकयात सुनते हैं, दूजे पासे मिलते हैं ते बिल्कुल। नाल रहना। अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और आपको मालूम है हमने रमज़ान में पढ़ाई रखी है, छुट्टियां नहीं रखी। जब मैंने पुरानी हसनैन वीडियो शुरू किया 2019 उन्नीस सौ दी। निन्यानवे में, ओके जी। तो अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि रमज़ान तो इल्म का महीना है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और चारों आसमानी किताबें रमज़ान में और सारे सहीफे रमज़ान में। अपने अल्लाह को क्या पसंद था इस महीने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर छोटी किताबें उतरी यकम रमज़ान को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी दो रमज़ान को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर उतरी 6 रमज़ान को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी 12 या 18 रमज़ान को, और अल्लाह के नबी पर कुरान उतरा फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में उतरा। तो सारा आसमानी इल्म रमज़ान में उतरा। सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुलूला, जुमादुल थानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज। ओके। इसमें जो रमज़ान है ये नाम अल्लाह ने रखा, बाकी महीनों के नाम तो रखे अरबों ने, फिर उनकी ज़ुबान पे अल्लाह लाया रमज़ान। चूँकि अभी तो दुनिया भी नहीं बनी थी और अल्लाह ने कुरान की तिलावत फरमाई थी, तो उस कुरान में था शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। तो रमज़ान का नाम अल्लाह ने पहले से चुन रखा था, फिर उनसे रखवा दिया। रमज़ान कहते हैं रमज़ा यरमुज़ो, जल जाना, जल जाना। रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं कि इसमें गुनाह जल जाते हैं। बिल्कुल। मुसलमान पहला रोज़ा रखता है और उसके गुनाह अल्लाह जलाना शुरू करता है, उसकी भूख प्यास की आग में गुनाहों को डालता है, जलाता है। आखिर 29 रमज़ान या 30 रमज़ान आखिरी रात अल्लाह ताला उसकी पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इसको इससे तशबीह दी गई कि जैसे जलने से चीज़ ख़त्म हो जाती है, रमज़ान के रोज़े की भूख और प्यास की तपिश से अल्लाह ताला पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते। तो मुझे ख्याल आया उस वक्त जब अभी बिल्कुल कज़र इन अखराज शत अहू था हमारे मदरसे की मिसाल, कज़र इन अखराज शत अहू, दुआ करो अल्लाह ताला फस्तगला सूख ही इसे बना दे। उम्मीद तो है कि कुछ शक्ल अल्लाह ने बना दी, अल्लाह इसे पूरी दुनिया में फैला दे। मेरी तो तमन्ना है कि एक ऐसी मुस्बत सोच के उलमा के अल्लाह मेरे ज़रिए से तैयार करवा दे जो उम्मत को जोड़ने वाले हों, तोड़ने वाले ना। तो अल्लाह ताला आपको मुस्बत बनाए। रमज़ान में चूँकि सारा इल्म उतरा, तो मुझे ख्याल आया कि हमें रमज़ान में छुट्टी करना तो एक ऐसे ही आदत है, कोई सुन्नत तो है नहीं, तो मुझे रमज़ान में पढ़ाई करवानी चाहिए, चाहे थोड़ी होगी। रोज़े की भूख भी सताएगी और रात के जागने की वजह से नींद भी सताएगी, लेकिन उसमें एक लफ्ज़ सैकड़ों लफ्ज़ों पे भारी होगा गैर रमज़ान। तो मैं कराची गया और मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातहुम से सबसे पहले जाके मशवरा किया कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि रमज़ान में छुट्टी ना हो, पढ़ाई हो। उस वक्त रमज़ान सर्दियों में था, तो वो बड़े खुश हुए, कहने लगे तो बहुत अच्छी बात, वो तो इतने बड़े हाथी के पाँव में सबका पाँव, इतनी बड़ी हस्ती ने, वो सिर्फ पाकिस्तान का सरमाया नहीं पूरी उम्मत का सरमाया है। तो उनकी इस बोल ने ना मुझे हिम्मत दे दी। तो फिर मैंने यहाँ आकर
तो हमने रमज़ान में सबक शुरू, उस वक्त ज़रा मेरी हिम्मत थी तो मैं रात को पढ़ाता भी था, बयान भी करता था। तो हमने रमज़ान में शुरू की कि ये रहमतों का महीना, हर चीज़ की बरकत का महीना, हर शय की अल्लाह के तरफ से फरावानी इसमें है, इल्म की भी, हिदायत की भी, रिज़्क की भी। गरीब से गरीब आदमी भी समोसे बना के बैठा होता है, पकोड़े बना के बैठा होता है, और दस्तरखान पे एक की बजाय तीन चीज़ें पड़ी होती हैं। बिल्कुल, चाहे रमज़ान के बाद सबके पेट ख़राब हों, एक बारी तो खाने की तबाही फेर दें दे। एक बारी रोज़े का मकसद ही फौत हो जाता है। रोज़ा तो होता है भूख के लिए, पर वो इतना खाते हैं कि सहरी का खाना इफ्तारी तक हज़म नहीं होता, और इफ्तारी का खाना सहरी तक हज़म नहीं होता, पर ना दोनों का ही खावाना है। कहते भूख ना लगे, भूख ना लगे, वो भूख लगने के लिए तो रोज़ा है। एक तो ये जिस्म को साफ करता है, दूसरा गरीबों की गुर्बत का एहसास पैदा करता है कि जो भूख तो आज बर्दाश्त करता है, गरीब रोज़ाना ये भूख बर्दाश्त करता है। बहुत अच्छी बात। तो अल्लाह के गरीबों का, गरीब बंदों को की खिदमत कर, उन तक अपने माल पहुंचा, अपना अल्लाह ने दिया है तो उनको भी उसमें शरीक कर, कब्र में ले जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में यह डाला, तो हमने तालीम रमज़ान में शुरू की, क्योंकि कुरान रमज़ान में उतरा, अंजील रमज़ान में उतरी, ज़बूर रमज़ान में उतरी, तौरात रमज़ान में उतरी। तो फिर अल्लाह ने इस महीने का नाम खुद रखा शहर रमज़ान, शहर रमज़ान। इसमें शब कदर रखी, इसमें रात की एक नमाज। अच्छा, पहली उम्मतों पे रोज़ा फ़र्ज था, इफ्तारी से इफ्तारी, इफ्तारी से इफ्तारी, बहुत शदीद था, 24 घंटे का रोज़ा, बस इफ्तारी के बाद आँख लग जाती तो रोज़ा अगला शुरू हो जाता था। तो हम पर भी पहले ऐसे ही रोज़ा उतरा इफ्तारी से इफ्तारी। तो इब्न सरिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऊँट चराने वाले थे, वो शाम को लौटे तो बीवी से पूछा कोई इफ्तारी का सामान है, तो उन्होंने कहा है तो नहीं, मैं कहीं से ले आती हूँ। वो गई इफ्तारी का कोई सामान लेने, उनको थोड़ी देर हो गई और उनकी आँख लग गई, थके हुए थे, सूरज डूब गया। जब वो आई तो उनका हाय सरिमा, तू तो हलाक हो गया। क्या हुआ? का अगला रोज़ा शुरू हो गया, रोज़ा क्योंकि तेरी आँख लग गई। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जोहर के वक्त बेहोश हो गए। एक रिवायत में आता है नमाज पढ़ने आए और गिर गए, और एक में आता है घर में ही बेहोश हुए। तो जो भी सूरत हाल थी अल्लाह के नबी को पता चला, क्या हुआ सरिमा को? कहा जी वो इफ्तारी कर नहीं सके तो रोज़ा शुरू हो गया तो बेहोश हो गया। तो अल्लाह के नबी रंजीदा हुए, तो अल्लाह ताला ने कुरान उतार दिया, चलो मेरे महबूब सारी रात खाओ, हत्ता यतबैन लकुम الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, कि मेरे महबूब सुबह सादिक तक आपकी उम्मत को इजाज़त है खाओ। पहली उम्मतों पर इफ्तारी से इफ्तारी, लेकिन उनकी नमाज तरावी नहीं थी। तो हमें अल्लाह ताला ने दिया सहरी तक, पूरी रात। अच्छा, एक साहबी आए, या रसूलुल्लाह मैं तो मारा गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा रोज़ा था, मैं बीवी के पास चला गया। आपने कहा तो फिर तू गुलाम आज़ाद कर, कफ़ारा दे। कहा जी मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ, गुलाम कहाँ से आज़ाद करूँ, ख़रीदना पड़ेगा। आपने कहा 60 मस्कीनों को खाना खिला। कहा मैं आप मस्कीन हैं, मैं कहूँ खाना खिलाऊँ? आपने फरमाया फिर आखिरी है कि 60 रोज़े रख, मुसलसल रखने होते हैं जो कफ़ारे के होते। वो कहने लगा एक रोज़े चाहे कम नहीं था, 60 रोज़े जो मैं की करा। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है बैठ जा, बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो एक अंसारी साहब ही खजूरों का टोकरा लेकर आया, या रसूलुल्लाह ये सदके की खजूरें हैं, तकसीम फरमा दें। तो आपने फरमाया भाई वो किधर हो? कहा जी बैठा हूँ। आपने कहा इधर आ, ये खजूरें ले जा और 60 घरों में तकसीम कर दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उस उम्मत को लाड लड़ाए हैं, ये अल्लाह की लाडली उम्मत। अजीब वाक्य ये। कहने लगा या रसूल अल्लाह
अल्लाह की कसम मदीने में मुझसे गरीब कोई नहीं, आप ऐसा करो ये मेरा कफारा मुझे ही सदका कर दो। तो आप इतना हंसे कि ये आखिरी दांत नजर आने लगे। बहुत कम ऐसा होता था, फजाहिक हत्ता बदत नवाजिदुहु, ऐसा हंसना आप कभी कभी हंसते थे कि आखिरी दांत पूरा मुंह खुल जाए। तो आप इतना हंसे कि आखिरी दांत तक नजर आने लगे। तो आपने कहा अच्छा जा लहजा तेरे वास्ते, लेकिन ये सिर्फ तेरे लिए और किसी के लिए नहीं है। तो जब ऐसी ख्यानत हुई तो अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म भी उतार दिया कि बाशरूहुन, कि तुम्हारे लिए बीवी भी हलाल है, खाना भी हलाल है, जब तक सुबह सादिक नहीं हो जाती। लेकिन अल्लाह ने हमें एक नमाज अता फरमा दी जिसको हम आज सलातुत तरावी कहते हैं। मेरे नबी के ज़माने में इसे क़यामुल लैल कहा जाता था। तो अल्लाह ने हमें रात की नमाज अता फरमाई, और चूंकि ये एक मशक्क़त है तो मेरे नबी ने कहा ये रात की नमाज के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाती, 1500 नेकी लिखी जाती। और अल्लाह ताला हर सजदे पर जन्नत में एक महल बनाता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते, और एक दरख्त उसके लिए लगाता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है। तो रमज़ान का एहतमाम आप रजब से शुरू फरमा देते थे। मेरे नबी ने 9 रमज़ान देखे, 9 रमज़ान अपनी ज़िंदगी में, 9 रमज़ान। 10वें रमज़ान से पहले आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। आपकी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से आपकी वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजरे। और मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर, अपनी उम्मत पे कैसी शफ़क़त थी। आप सहरी खाते थे बिल्कुल आखिरी वक्त, इधर बिलाल अजान दे रहा है और इधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ और आप खजूर मुंह में। एक आदमी ऊपर खड़ा होता था मदीने में, तो वो छत पे, घर की छत पे खड़ा होता था। सफ़र में है तो वो किसी पहाड़ी पे खड़ा होता था। जो ही सूरज का किनारा नीचे जाता अब फौरन वो कहता या रसूलुल्लाह कद गरबत, तो आप खजूर मुंह में डाल लेते थे, या पानी, कभी पानी से इफ्तार फरमाते थे, कभी खजूर से इफ्तार फरमाते थे, कि मेरी उम्मत पे भूख का वक्त कम से कम आए। आजकल जो ये हमारे इफ्तारी के औकात हैं ना, ये सूरज डूबने के भी 2-2.5 मिनट बाद के हैं, कि एहतियातन ठीक है चलो एहतियात कर लो कोई मसला नहीं, लेकिन असल है इधर सूर, चूँकि अब सूरज हमें नज़र ही नहीं आता है, इस तरह हम घिरे हुए हैं शहरों में, देहातों में भी अब इस तरह का माहौल है कि वो नज़र नहीं आता है। तो बेहतर क्या, इधर सूरज गायब हो, इधर लुकमा मुँह में जाए। लेकिन ये तब है जब आप नज़र आ रहे हो। अब जब आप यहाँ बैठे हो हसनैन में, तो यहाँ तो कोई सूरज नज़र नहीं आएगा, यहाँ तो मीनार ही नज़र आएगा। तो लिहाजा एहतियात ठीक। हमारे अहले हदीस भाई वो 2 मिनट पहले हमसे इफ्तार करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि सूरज के ग़ुरूब होने का जो असल वक्त है उसके साथ ही इफ्तार करना। और सहरी में एक वाक्य सुनाता हूँ। आप सहरी खा रहे थे, बकरे की सिरी पकी हुई थी, तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अरबाज़ इब्न सारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ खाना खा रहे थे। तो हज़रत बिलाल है, या रसूल अल्लाह वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर चले गए। छत एक अंसारी औरत थी, उसके घर की छत पर चढ़ के अजान देते थे। चढ़ने लगे तो फिर वापस आए कि देखूँ अल्लाह के नबी ने खाना छोड़ दिया या नहीं। आके देखा तो वो खा रहे थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वल्लाह लकद असबहता, या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सुबह हो गई। तो आपने हाथ पीछे कर लिया, कह रहे तेरा भला हो बिलाल, अभी वक्त बाकी था, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। क्या बात। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते सुबह सादिक नहीं होनी थी। तो बिल्कुल आखिरी वक्त में आप खाते थे ताकि कम से कम वक्त उम्मत पे भूख का आए। तो अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे
रमज़ान इल्म का महीना है, सोने का नहीं है, खाने का नहीं है, समोसे पकौड़े का नहीं है, रमज़ान इल्म का महीना। शब कदर इसमें है, अल्लाह का अर्श पहले आसमानों पर है, सारा दिन सारी रात अल्लाह के ऐलान हो रहे हैं, कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई माफ़ी चाहने वाला, कोई रिज़्क चाहने वाला, कोई हिदायत चाहने वाला, कोई शिफा चाहने वाला, और फरिश्तों के ऐलान हो रहे हैं, भलाई करने वाले आगे बढ़, बुराई करने वाले बस कर दे। तो जो रहमत है रमज़ान में, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो ये तमन्ना करेंगे कि काश सारा साल ही रमज़ान होता। सही है। तो बच्चों आप खुशकिस्मत हैं कि आपका जो रमज़ान है वो इल्म की तलब में है, इसमें अगर आप सोए भी होगे ना तो आपको वो अजर मिलेगा जो नफलें पढ़ने वाले को भी नहीं मिलेगा। एक शख्स आया कह या रसूल अल्लाह, अब देखो आप अल्लाह के रास्ते में हो, आप अल्लाह के रास्ते में हो। एक शख्स आया या रसूल अल्लाह क्या मैं कुछ माल खर्च करके अल्लाह के रास्ते में जाने वाले का अजर ले सकता हूँ? आपने फरमाया कितने तेरे पास? कहने लगा जी 6,000। उस दौर में 6,000 बहुत बड़ी दौलत थी। तो आपने उसे फरमाया कि तू 6,000 तू तो कुछ कह रहा है और मैं ये कह रहा हूँ तू सारे भी खर्च कर दे तो जो अल्लाह के रास्ते में सोया हुआ है उसकी नींद के अजर को भी नहीं पा सकते। तो आप सब अल्लाह के रास्ते में, आप तलब इल्म में। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस जी। वीडियो हो गई है जी मुकम्मल और अगेन बहुत वधिया, बहुत वधिया गल्लां। मैं जिदा पहला भी कहा सीगा कि असी जिदा रमज़ान दे उत्ते वीडियोज़ देख रहे हैं तो असी जो एक वीडियो देखते हैं तो उहदे नाल साडी पिछली 2-3 वीडियोज़ की रिविजन हो जाती है, क्योंकि जिहड़ी चीज़ां असी सुनिया सीगियां आपां रमशा सुल्तान जी की वीडियो पर भी सुनिया सीगियां, इन्हां दी अपना तारिक जमील साहब की वीडियो पर भी असी सुनिया सीगियां, वह गल्लां साडी रिविजन हो गई, सानू दोबारा सुनन नूं मिल गईयां तो वह गल्लां जिहड़ी दिमाग च सीगियां पक्कियां हो गईयां कि यार सानू वो दस रहे सीगे तो वो किस्सा सानू पता सीगा कि वो वाकया सानू पता सीगे ते बहुत अच्छी अच्छी गल्लां कीतियां उन्होंने। जिहड़ी एक भुखे रहने वाली गल वो मैंने बहुत मतलब टच की कि भुखे रहना पैंदा रमज़ान दे विच, रमज़ान दे विच ते उहदे नाल तुहानू फील हुंदा है कि हाँ जदों असीं एक दिन भुखे रह के इदां फील हो रहा तो गरीब बंदा जिहड़ा रोज़ भुखा रहिंदा उहनू रोज़ इदां फील हुंदा होना, सारी जिंदगी इदां फील हुंदा होना, किन्नी वड्डी गल है। ते एक के ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਫਤਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਮੋਸੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਪੀਸਫੁੱਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੇ ਪਿਓਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਰਮਾਦਾਨ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ
मतलब जिन्ने तुहाडे अंदर दी दुख तकलीफ है या कोई होर चीज़ है, क्योंकि देखो जिहड़ा रब दे घर जांदा है वो हर हर इंसान किसी दुख किसी तकलीफ किसी बहुत वड्डी खुशी किसी नॉर्मल खुशी या एक जनरल तौर पर जाता है अपने मन की इच्छा रखन, तो उस रब के दर पर हर एक बंदे की भावें बंदा वड्डा होवे छोटा होवे बच्चा होवे बुजुर्ग होवे सारे की इच्छा रब जो है कबूल करता है। तो यह बहुत जो है पावन और पवित्र महीना सारे वास्ते, आई थिंक सानू भी सुन के गल्लां जो है गल्लां अच्छा बातें सुन के लगता बहुत अच्छा सीखने मिलता है, पीसफुल लगता है, ते मैनू गल्लां सुन के ही बड़ा पीसफुल लगता है। जेड़ा उन्होंने दस्या कि जेड़े अर्श तो चार किताबां उतरियां ने उह नाम मैनू पता सीगा बट नाम नहीं पता, एक्चुअली उन्होंने दस्से सीगे फिर भुल गए, जे तुसीं करी कमेंट्स कमेंटा दस दस दोगे दो तो साढ़े को एक हो रह जाता रिकॉर्ड रह जाता चीज़ों का कि असं जाके पढ़ सकते हैं, वीडियो नहीं देखनी पैंती, असं कॉमेंट्स देख लिए सानू सब पता लग जाता। बिल्कुल सो प्लीज गाइज होप करते हैं गाइज तुहानू ये वीडियो अच्छी लगेगी, ज़्यादा नहीं बोलिया जाना फिर तो, बट होप करते हैं कि तुहानू अच्छी लगे वीडियो, तो जो अच्छी लगी प्लीज़ कॉमेंट्स जरूर दस्यो, बाकी होर की देखना चाहते हो भी जरूर दस्यो, छेती छेती होर वीडियो तुहाडे अगे लैके हाजिर हो रहा। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, सेहतमंद रहो, तंदुरुस्त रहो, दुआ में सानू याद रखो, असीं तुहानू याद रखांगे, दिओ इजाजत प्रीत बाणी नूं, ते तद तक लई सत श्री अकाल ते खुदा हाफिज़।